ये मैडम जी की पाटाला। क्या कहते हो भैया? यहाँ होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाटाला, अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाटाला, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजर कहीं पे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाटाला। ये मैडम जी की पाटाला, ये मैडम जी की पाटाला। कौन हो सकता है जिसने ठाकुर के घर में घुसकर बंदूक चुराने की कोशिश की? लेकिन बंदूक इसने नहीं चुराई है ठाकुरवा, ये किसी और का ही काम है। मिले जी, अब बताइए ये काम किसने किया? अरे मैं कानून वाला हूँ, कानून वाला। अरे दबंगवा, ज्यादा कानून कानून मत कर, कहीं ऐसा ना हो कि कानून के रखवाले को ही सजा हो जाए। अच्छा अच्छा, कमाल है नहीं? ए मुन्ना, अरे कौन? कहाँ है हमारे मुन्ना? आप कौन है? आप प्लीज बाहर जाइए। अरे बाहर से तो आ ही रहे मैडम, हमारे मुन्ना कहाँ, ये बताइए। आपको किससे काम है? अरे हम सुने हमारा मुन्ना यहाँ पढ़ता है। देखिए यहाँ कोई मुन्ना मुन्ना नहीं पढ़ता, आप प्लीज जाइए। अरे नहीं हम सुने। अरे ये रहा हमारा मुन्ना, ये मुन्ना। अरे तुम, हम मुन्ना? हाँ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम घर गए रहे तो ताला पड़ा रहा, लोग से पूछ पूछ के यहाँ तक पहुँचे हैं। अरे लोग जमन भैया, बोले भैया जमन भैया प्रणाम। अरे खुश रहो। प्रणाम भैया। अरे बापरे, अरे तुम तो एकदम मोटे ताजे थे, सूख के एकदम लकड़ी हो गए। लकड़ी? चलो बताते हैं। अरे ना ना ना, हम अभी कैसे आ सकते हैं? अभी तो मैडम से हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, कैसे जा सकते हैं? तो अंग्रेजी सीख के कौन सा विलायत जाना है? वो तो बात है। अरे बाहर चलो दिखाते हैं। का? अरे तुम्हारे लिए नई भौजी लेकर आए हैं। चलो चलो चलो। का? जल्दी चले जाओ। हमको ऐसा लगता है कि जो नई भौजी है ना, वो बर्फ किससे ली है। जल्दी नहीं जाओगे तो पानी बनकर पिघल जाएंगी। ठीक है, मैं हाथ में कोई जोर नहीं रहा। हाँ ठीक है। मैडम मैडम आज हमें छुट्टी दे दीजिए। ठीक है जाइए। धन्यवाद। चलो चलो चलो। ये मच्छर दादा, ठीक से पढ़ना और बाद में हमारे मुन्ना को समझा देना सब। ये का समझाएगा ससुर, इकेले तो काला अक्षर भैंस बराबर है। इससे हम नहीं सीखेंगे। दबांग, तू जो है ना ये पूरा अंग्रेजी जो मैडम सिखा रही है पूरा ढंग से सीख लेना और बाद में हमको समझाए देना है। I will cheat you. Cheat you, समझे? Cheat you नहीं होता है, वो teach you होता है। वो वो I will teach you. अरे ये हमको समझदार लगता है। हाँ, चलो 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 चलो। इतने दिनों बाद आप मिले हो भैया। अरे मुन्ना हम कहा बताए तुमको, तुम खुश हो जाओगे आज, देखो जरा। खुश हो जाएंगे। ए इलायची, देखो कौन आया है, हमार मुन्ना। मुन्ना, हम तो सोचे थे मुन्ना कोई छोटा सा बच्चा होगा, तो चार पांच ठो मुन्ना के बाप लगते हैं।
अरे क्या बात करती हो इलायची भौजी। अरे हमारी तो अभी शादियों नहीं हुई है। कहा भाई आपने बताया नहीं इनको। अरे मुन्ना तुम्हार भौजी को मजाक करने की आदत है। अरे ये तो हमारे साथ सुहाग रात में भी मजाक की थी। तो कैसा मजाक? अरे ये हमको दूध की जगह करेला का जूस पिला दिए थे। इलायची भौजी आप इलायची हम तुमको बताएं, ये जो मुन्ना है ना ये और हम बचपन में बहुत कुश्ती लड़ते रहे। बहुत कुश्ती लड़ते रहे। हाँ। और हम ना हम हमेशा इसको उठा के नीचे पटक देते रहे। कैसे कैसे बताओ, फिर से बताओ कैसे? अरे हम इसको उठा के पटक देते रहे। पटक देते रहे सच? ये कहे नहीं बताते भैया, जब तुम हारने को होते थे तभी क्या करते थे बताओ? हमको गुदगुदी कर दिया करते थे, तो हमसे तुम पटका जाते थे और जीत जाते थे। इनकी गुदगुदी मचाने की आदत अभी तक नहीं गई। कहाँ चलना है? घूमने। घूमने जाना है, इनको ले चलना है। अरे चलिए ना। अरे देखो मुन्ना देखो। अरे मोटरसाइकिल हमको ससुराल वाले दिए हैं। हमारे बाबूजी। और तुमको बहुत चलाने का शौक रहा ना। अरे अब चलाओ दियो। चलाओ मोटरसाइकिल। चलाने का तो हमको बहुत शौक रहा, लेकिन क्या है ना मोटरसाइकिल हम ससुर कभी चलाए नहीं है, हमको पहले सीखना पड़ेगा ना। तब मोटरसाइकिल चलाना कोई कठिन है का? घुड़सवारी किए हो? घुड़सवारी तो बहुत किया है भाभी। बहुत घुड़सवारी किया, बहुत घोड़ों को दौड़ाए हैं ससुरों। तो जैसा घोड़ा को लेके दौड़ाते हैं उसका कान मरोड़ो। तो घोड़ा दौड़ता है ना? दौड़ता ही है। बस इस पे बैठ के कंबकत का ऐसा हैंडल मरोड़ो तो ये भी दौड़ती है। दौड़ता है? जिंदगी में हमको पहली बार पता चल रहा है कि घोड़ों को देख के मोटरसाइकिल का डिजाइन बनाया है। बस ये कहीं फर्क है, कंबकत घास नहीं खाती है। और ससुरी ली भी नहीं करती होगी। अरे चलिए भी, हमारे बाबूजी दिए हैं, चलिए। बाबूजी दिए हैं? एकदम बाबूजी भी गया है ससुरी। ससुर जी को हम हाथ नहीं लगाएंगे। अरे चलो एक सैर करके आते हैं। अरे लेकिन हम कैसे चलाएं इसको? अरे चलाओ, हम है ना, चलाओ। क्या करें, कैसे? बैठो बैठो इसमें बैठो। अच्छा बैठना है? पहले बैठो। बैठा जाता है भाई। तो फिर वो ऐसे जैसे घोड़े पे टांग डाल के बैठते हैं वैसे बैठो। अच्छा वो ऐसा? ऐसा पैर लिया, ये डाला। ये बात, अब बैठे, अब सही बैठ गए। अब ऐसा करिए, अब किक मारिए। किक मारे। अरे स्टार्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब स्टैंड से नीचे उतार लो। स्टैंड से नीचे उतारे? अरे वाह, हमारे बाबूजी मोटरसाइकिल लिए कमाल के। अरे भाभी आप गिर जाएंगी तो चिल्लाना, आपके पता चले आप गिरी हैं। अरे कमाल के। आजा आजा आजा, बाबूजी दिए हैं। ना हम संभाल के ले जाएंगे। संभाल के मुन्ना जी, बाबूजी दिए हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। अरे अल्लाह, बाबूजी दिए हैं। कैसा चलते हो यार? हट, बीच में मत आ, बीच में मत आ, बीच में। अरे संभाल के, संभाल। गरिया देख के बीच में आ रहे हैं। हम जब लाए थे तो ससुरी बड़ी बैलेंस में चल रही थी। आप कैसा दाएं बाएं हैं? दाएं बाएं तो होगी ना ससुर, ये लोग बीच में आ रहे हैं। अब देखो यही ससुर आई है। अरे हट जा, अरे हट। क्या कर रहे हैं? नई मोटरसाइकिल लिएगा, सर पे चढ़ा के लेके जाऊंगा क्या? हमारे बाबूजी लिए हैं मोटरसाइकिल। समझे? तो सर पे तो क्या, पूरा धड़ पे चढ़ा दूंगा। हट डुबकी। बाबूजी दिए हैं मोटरसाइकिल। और क्या, देख नहीं रहे गाड़ी नया है, ड्राइवर नया है? हमारे ठाकुर तुम्हारे भौजी भी तो नई है। अरे ना हम गड़बड़ा जाएंगे भाई। तुम हट, अरे हट जाओ, अरे बीच में हट जा रहे। अरे हट मुन्ना जी, संभाल के बाबूजी दिए हैं। अरे अब अच्छा चलाना सीख गए हैं, मजा आ रहा है बढ़िया। अरे बहुत मजा आ रहा है। मजा काहे नहीं आएगा, हमारे बाबूजी जो दिए हैं। अरे कैसे कर। अरे
अरे भैया कहाँ गए? अरे घुमन भैया, घुमन भैया, अरे अरे घुमन भैया कहाँ गए? अरे 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 भैया आप क्या कर रहे थे? सब ठीक है? हाँ ठीक है। जगह पे है सब? हाँ। अरे बाप रे, अरे अरे तुम्हारे भौजी कहाँ है? वो तो पूछ रहे हैं। मुन्ना जी, मुन्ना जी। मुन्ना जी हम यहाँ सब गए। अरे 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 मुन्ना निकालो। अरे भौजी आप वहाँ कहाँ पहुँच गई? अरे गंदी मोटरसाइकिल चलाइएगा तो ऐसे ही होगा। हटाइए। हमारे बाबूजी की दी हुई मोटरसाइकिल। अरे तुम्हारे बाबूजी की मोटरसाइकिल एकदम ठीक है। मेरे कमर। हाय मर गए मुन्ना जी। बाबूजी की मोटरसाइकिल। देखिए मैंने आज जो आप लोगों को पढ़ाया है वो ठीक से याद कर लीजिएगा। ओके पंडित जी। अरे ठीक है मैडम, हिंदी में जो लोहपतगामिनी भवक अड्डा है उसकी जगह पर हम रेलवे स्टेशन कहेंगे। बताइए मैडम कितने ताज्जुब की बातें हैं। जब मैं छोटा था, जब पैदा हुआ, छुटपन से ही मैं बताऊं अंग्रेजी और हिंदी साथ में बोल रहा हूँ और मुझे पता ही नहीं है ना। कमाल कैसे मतलब थोड़ा बड़ा। देखिए मैं किसी भी दिन आप लोगों को ये सारे वर्ड्स पूछूंगी, आप ठीक से याद कर लेना। ओके अब हम कल मिलेंगे। बाय बाय मैडम। आई ना चाय पीने। चाय पहले आप जाएं। अरे नाम क्या? आप रूला खोल। चलो भाई चलो 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 बैठो पीछे। अरे चौधरी साहब चलो ना, अब सारी पढ़ाई यही मनन कर लोगे क्या? माल निकाल के बसुरा मनन नहीं कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? मुन्ने के बारे में सोच रहे हैं। आज तक इतना प्यार हमको नहीं मिला जितना ससुर मुन्ना को मिला है। ये मुन्ने का क्या चक्कर है? अरे ठाकुर साहब को प्यार करने वाले कितने लोग हैं? अरे वो कितना बड़ा लौकी है। अरे ससुरा अगर वो लौकी खाए तो हम मूली है मूली। अरे हम वो जो है भाजी वाली बात नहीं कर रहे हैं, हैं? अरे हम ये कह रहे हैं वो कितना बड़ा भाग्यशाली है। अरे तो हाँ। तुम्हारा मतलब लकी है ना, भाग्यशाली मतलब लकी। तुम भी पंडित ना दिमाग से एकदम पैदल हो पैदल। अच्छा ठीक है ठीक है, हैं? अरे भाई चौधरी साहब हम तो आपके भले के लिए सोचते हैं। अभी ठाकुर साहब को देखो, अरे कितनी वो तरक्की करते हुए जा रहे हैं माल निकाल के। क्या तरक्की? कौन सी तरक्की की है? अरे वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के गाँव में घूम रहा है। अरे एक आप है बस वही बैलगाड़ी में अटके हुए हैं। ससुरा अगर ऐसी बात है तो हम भी देखते हैं कि मुन्ना का मोटरसाइकिल पर बैठना कितना भारी होता है। इलायची तो हमारी पत्नी बनी हो तो हम बहुत खुश हैं। इलायची सच में? हाँ। तो ठीक से दवाई है ना? अरे लाइए ना। हाँ। अरे भाई क्या कर रहे हो? हो गया। अरे अरे भौजी लीजिए ना। अरे आपके लिए हम खुशहारपुर के मशहूर हलवाई जो है लाला गेंडा मल उसके दुकान के लड्डू लाया हूँ। लड्डू हम नहीं खाएंगे। कौन है? अरे गेंडा मल के दुकान का लड्डू है, कहीं उसमें गेंडे का दूध मिला दिया होगा तब। अरे वो हलवाई है, कोई चिड़ियाघर का चौकीदार नहीं है जो गेंडा का दूध मिला देगा उसमें। वैसे भी हम तो रबड़ी खाते हैं। अरे भाभी आप हमको पहले काहे नहीं बताए? हम पटना जाके लालू हलवाई की दुकान से रबड़ी लाते थे तो आप रुकिए हम अभी जाके ला रहे हैं। अरे मुन्ना जी रहने दीजिए, काहे ना कि इतना दूर जाइएगा। अरे नहीं दूर गए, अरे अभी फटफटिया से जाएंगे ना। नहीं लेकिन वो तो हमारे बाबू जी दिए, मैंने इतना मेहनत काहे कीजिएगा, जाइएगा लाइएगा रहने दीजिए। अरे ना देखिए फुर से गए आप फुर से यार। और वहां से ये भी पूछ लेना कहीं रबड़ी में ऊंटनी का दूध ना मिलाए हो। ए मुन्ना जी ऊंटनी का दूध होगा ना तो ठीक है, सुने है ना कि ऊंटनी का दूध बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा ठीक है वो हम पूछ लेंगे। हाँ, और ये भी पूछ लेना कि कानी गधी का दूध भी बड़ा फायदा करता है। हमको पहले कहे ने बताया कि आपको कानी गधी का दूध पसंद है, हम रोज आते वही पिलाएंगे। क्या कर रही हूँ? ठीक है
हम कानी गधी का दूध लेके आएंगे कानी गधी के साथ। निकाल देते अब देखते हैं मुन्ना इस फटफटिया पर कैसा बैठता है और कितना भारी पड़ता है उसको। कमाल। अच्छा चौधरी साहब ये सब आपने कैसे सिखा माल निकाल के? अरे हमारा एक भांजा है उसके पास ऐसी फटफटिया है उसने सब सिखाया था। चलो जल्दी जल्दी निकल लो उससे पहले कोई आ जाएगा। चलो 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 संभाल के जाइएगा कहीं लग ना जाए। अरे अरे भाभी अरे काहे चिंता कर रही हो हमको कुछ नहीं होगा। अरे आपकी नहीं मोटरसाइकिल के बारे में कह रहे थे। अच्छा, अरे मुन्ना तुम्हारे लिए तुम्हारी भाभी ने बड़ी खूबसूरत लड़की देख रखी है। हाँ और दहेज भी मिलेगा क्योंकि लड़की का बाप कबाड़ी का बिजनेस करता है। ना 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 देखो भैया हमरे लिए लड़की देखने की कौन जरूरत नहीं है। हमने हमने अपने लिए लड़की ढूंढ ली है खुद ही। क्या बात कर रहे हो? हाँ वो लड़की बहुत खूबसूरत है। अरे मुन्ना जी आप भी कम हैंडसम थोड़े ना हैं। अच्छा अच्छा ये बताओ कौन है वो खुशनसीब हमें बताओ हम जाकर उसके माँ बाप से बात करेंगे। अरे ना 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 उसके माँ बाप के पास जाने का खर्चा बहुत है उसके माँ बाप अमेरिका में रहते हैं। अरे अमेरिका में हो या अफ्रीका में हो है? हम वहाँ जाकर भी बात करेंगे पैसे का कोई कमी थोड़ी है मुन्ना। चलो 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 धीरे आराम से बाबूजी दिए हैं हमारे। हो गया। अरे नई नई है स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है हो जाएगी। हाँ अरे लात मारो और क्या हो गया भैया स्टार्ट का ही नहीं हो रहा है स्टार्ट का नहीं हो रहा है। अरे एलआईसी थोड़ा धक्का लगाओ। हाँ लगाओ धक्का लगा नहीं 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 आप रुकिए हम धक्का लगा रहे हैं हम धक्का लगा रहे हैं। अरे तुम काहे लगाओगे इलायची है ना धक्का लगाने के लिए आओ इलायची। नहीं नहीं कहीं इसके साथ होते आप इसको लेके भाग गए तो मुन्ना है ना। नहीं आप काहे चिंता करो आप भाभी आप बैठ जाओ आप बैठ जाओ हम धक्का लगा रहे हैं। बैठ जाइए आप बैठ जाइए उतारिए स्टैंड से पहले स्टैंड से उतारिए यहाँ यहाँ बैठ जाइए बैठ जाइए आइए बैठिए बैठिए धीरे से धक्का लगाओ संभार के हाँ धीरे से धीरे कहा हुआ मुन्ना फटफटिया को धक्का क्यों मार रहे हो? अरे मुन्ना मुन्ना कह के काहे दिन में चुन्ना लगा रहे हो ससुरे हैं चुपचाप जहाँ चले जा रहे थे ना चले जाओ ये अपनी मनहूस सूरत हमको दिखाओगे हमारा दिल मत बर्बाद करो। नहीं देखो वैसे कौन सी जरूरत हो तो हमको बता देना मुन्ना। भाई जब स्टार्ट करना जानते हो तो बता दो ना कर दो स्टार्ट कर दे मुन्ना। पागल लोग हैं ससुर पागल ऐसा ना पागल है ससुर नट बोल्ट निकाल के फेंक देगा ये जो चक्का बक्का है ना निकाल के बेच के आ जाएगा ससुरा। हम जाए तो ठीक है भाई ठाकुर साहब हम जा रहे हैं लेकिन अगर कोई चीज की मदद की आवश्यकता हो तो हमें बता दे। हाँ हाँ ठीक है बता दूंगा। एक एक काम करो बोलो दबंग मिल जाएगा ना दबंग को बता दो कि मुन्ना ने बुलाया है ठाकुर साहब ने बुलाया है बोल दो उसको। अच्छा चलते हैं मुन्ना चलो चलो चलो। अरे भाई ये दबंग कौन है वो दरोगा ना। अरे वो है दरोगा वो काबिल है वो। अच्छा हाँ हाँ अरे इलायची अब उतर भी जाओ तो बैठी रहोगी इस पे हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। आपके भागने से हमको डर थोड़ा ही ना है हमको तो डर है कहीं आप पे मोटरसाइकिल लेके ना भाग जाए हमारे बाबूजी ने दी। अरे यार उतरो तुम जानते हो नहीं दरोगा बाबू नहीं जानते तुम स्वीटी तुम्हें पता है क्या नहीं पता
क्या चाची, आपको पता है क्या? नहीं पता? क्या सुशीला, शादी कब हुई पता है? नहीं दरोगा बाबूजी। अपनी शादी भी याद नहीं, और जब मैंने पूछा वो भी याद नहीं? काकी काकी काकी, आपको तो पता होगा। नहीं सरकार, नहीं मालूम मेरे को। आपको भी नहीं पता? तुमसे पूछू कि नहीं पूछू? नहीं पूछू ना, नहीं पता हो ना। किसी को यहाँ कुछ पता ही नहीं है, लेकिन घबराओ मत, डरो मत। आप लोगों को बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझको पता है, मैं आपको बताऊंगा। मैं कितना होशियार हूँ नहीं। रेलवे स्टेशन को हिंदी में कहते हैं लोपट गामिनी भक भक अड्डा। क्या कहते हैं? मेरे पीछे पीछे बोलो। लो लो पट भक गामिनी गामिनी भक 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 अड्डा अड्डा। एक काम करते हैं, काम करते हैं, हम सब लोपट गामिनी बन जाते हैं। बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। आ जाओ जाओ, मैं इंजन इंजन। आ सब 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 डिब्बे जुड़ जाओ, चले क्या? चलो चलो। अब हमारी लोपत गामिनी तेज हो जाएगी, तेज हो जाएगी। पंडित जी चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, चढ़ जाओ लोपत गामिनी में। कैसी है हमारी लोपत गामिनी? बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया ना, बहुत अच्छी। मजा आ रहा है पंडित जी? तेज हो गई, तेज हो गई। अबे कितना दौड़ा हो गया? बस है खाबा, भक भक अड्डा आ गया। अबे काम करो, गांव वालों सब उतर जाओ लोपत गामिनी से और अपने अपने घर जाओ। उतरो। हाँ लोपत गामिनी बन के जाओ, जाओ जाओ जाओ, शाबाश। शाम को मिलो। अच्छा भाई, हम अपने घर जा रहे हैं और आप अपने थाने में जाओ। अरे अरे लोपत गामिनी इधर आओ। कौन लोपत गामिनी? हम दरोगा हैं। हाँ भाई हाँ, बोलिए बोलिए। देखो वो आपको मुन्ना ने बुलाया है। मुन्ना? हाँ। अरे मुन्ना कौन है? अरे, अरे, अरे मेरा मतलब है ठाकुर साहब ने बुलाया। अच्छा अच्छा, ठाकुर हाँ। साहब ने बुलाया? कहाँ से बुलाया? अरे अपने भबक अड्डे, अरे मतलब अपने घर पे माल निकाल। अच्छा अच्छा, घर पे बुलाया। ठीक है ठीक है, हम चले जाएंगे। ठीक है, जय राम जी, जय राम जी की, जय राम जी की। ठाकुर साहब ने घर पे बुलाया इनको भेज के? अरे यार कौन सा पत्थर पड़ गया ठाकुर साहब पर?